साथियों, आजादी के 75 वर्ष जब हम पूरा कर रहे हैं, तब एक प्रश्न हमें जरूर पूछना चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्पेस, किसी विशेष भाषा को जानने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रहनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ इमोशन का नहीं है, बल्कि साइंटिफिक लॉजिक का भी है। आप जरा सोचिए, बीती 3 औद्योगिक क्रांतियों में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे क्यों रहा, जबकि भारत के पास नॉलेज की, जानने समझने की, नया सोचने नया करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी ये संपदा भारतीय भाषाओं में थी। गुलामी के लंबे कालखंड में भारतीय भाषाओं के विस्तार को रोका गया और आधुनिक ज्ञान विज्ञान रिसर्च को इक्का दुक्का भाषाओं तक सीमित कर दिया गया। भारत के बहुत बड़े वर्ग की उन भाषाओं तक, उस ज्ञान तक एक्सेस ही नहीं था, यानी इंटेलेक्ट का, एक्सपर्टाइज का दायरा निरंतर सिकुड़ता गया, जिसने इन्वेंशन और इनोवेशन का पूल भी लिमिटेड हो गया। 21वीं सदी में जब दुनिया 4थी औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रही है, तब भारत के पास दुनिया को लीड करने का बहुत बड़ा अवसर है। ये अवसर हमारी डेटा पावर के कारण है, डिजिटल इंक्लूजन के कारण है। कोई भी भारतीय बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल और बेस्ट अपॉर्चुनिटी से सिर्फ भाषा के कारण वंचित ना रहे, ये हमारा प्रयास है। इसलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया। मातृभाषा में पढ़ाई करने वाले छात्र कल चाहे जिस प्रोफेशन में जाएं, उन्हें अपने क्षेत्र की जरूरतों और अपने लोगों की आकांक्षाओं की समझ रहेगी। इसके साथ ही अब हमारा प्रयास है कि भारतीय भाषाओं में दुनिया का बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। प्रयास ये है कि इंटरनेट, जो कि नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा भंडार है, उसे हर भारतीय अपनी भाषा में प्रयोग कर सके। 2 दिन पहले ही इसके लिए भाषिनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये भारतीय भाषाओं का यूनिफाइड लैंग्वेज इंटरफेस है। हर भारतीय को इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट करने का प्रयास है, ताकि वो जानकारी के, ज्ञान के इस आधुनिक स्रोत से, सरकार से, सरकारी सुविधाओं से आसानी से अपनी भाषा से जुड़ सके, संवाद कर सके। इंटरनेट को करोड़ों करोड़ भारतीयों को अपनी भाषा में उपलब्ध कराना सामाजिक और आर्थिक हर पहलू से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये, एक भारत श्रेष्ठ भारत मजबूत करने, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ने, घूमने फिरने और कल्चर को समझने में ये बहुत बड़ी मदद करेगा।